गाइस वेलकम बैक माय ब्लॉग। तो मेरे एक और ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं ठीक हूँ। गाइस माफ़ी चाहूँगी, मेरा आज ब्लॉग बहुत बहुत दिनों बाद आ रहा है क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी। तो जैसे कि अभी आपको मेरे चेहरे से भी लग रहा होगा और आवाज़ से भी, मेरे सिर में 10 दिन और रात दर्द हुआ, आराम ही नहीं मिल रहा था। हॉस्पिटल से दवाई ला रही हूँ, अब कहीं जाके थोड़ा सा फर्क पड़ा है, तो मैंने सोचा आज वीडियो बना लिया जाए ऐसे ही। और देखो बहुत सारा तेल डाल रखा है, तेल पता नहीं क्या क्या दवाइयाँ पड़ती हैं इसमें, सिर में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। तो देखो गाइस मेरा ना उस वाले रूम में, अब देखो मकान जो शिफ्ट किया था उसके बाद से मेरा ये शायद दूसरा ब्लॉग आ रहा है। और दूसरे ब्लॉग में देखो आपको दिखाएं कि किस तरह से हमने अब सेटअप बैठा ला है। अभी सब गंदा गंदा पड़ा है। तो ये है अजय, हेलो गाइस, और ये है अन्नू, हेलो गाइस, और ये है मेरा भांजा अंकित। और देखो यार कुछ दिन पहले यहाँ पे किसी का, मेरे एक फ्रेंड का जन्मदिन था, उनका मनाया गया था बर्थडे। तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी इसलिए मैंने ना वो नहीं कर पाया वीडियो शूट, और बस बर्थडे इसी प्रकार मनाया। वो लोग तो सब चले गए, बर्थडे तो कब का खत्म हो गया। देखो ये अभी तक लगा हुआ है। तो ये है मेरी अद्दू छोटी डॉन, हेलो गाइस करो बेटू, भग गई। तो देखो गाइस इस वाले रूम में पहले मशीन लगा रखी थी यहाँ पर, अभी यहाँ पर माल लगाया, कैसे कपड़े वपड़े सब बिखरे पड़े हैं। और एक छोटी सी टीवी और ले ली है, देखो कितनी छोटी सी है। अजय हेलो गाइस, और जिसपे खाना बनाया करती थी मैं, ये वो टेबल है, चादर डाल रखी है। अभी देखो सब बिखरा पड़ा है, इन लोगों ने अभी काम नहीं किया है। क्या कर रहे हो अजय, वहाँ ढूंढ रहे हो? हटो अन्नू, देखो ये रजाई ओड़ा घूम रही है सुबह सुबह भी। तो ये देखो गाइस इस वाली दीवार पे यहाँ पे किस तरह से फोटो लगाए रखी है हम लोगों ने, अच्छा लग रहा है ये इस प्रकार से, कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे ये सब सेट कर दिया है सामान इस वाली अलमारी, इसमें पहले माल भर रखा था यहाँ सब में, तो अब यहाँ सटा दिया। यही मंदिर बाबा मेरे बैठे हुए हैं, वो देखो यहाँ पे सारा कुछ कर लिया है। और अब भी ये रूम फैला फैला है, ये मैंने रहने के लिए कर लिया, मेरे यहाँ कोई भी आ जाता है। एक बार वो आए थे ना सिराज जी, तो बिल्कुल मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, बिठाला उन्हें उसी रूम में, किचन उसी में, माल उसी में उन्हें बिठाला। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अंकित क्या कर रहे हो? पानी पी रहे हो? पानी से तुम्हारा मोटापा थोड़ी नहीं बढ़ेगा, इतना बेचारा सूखा पाका है, मोटा नहीं हो रहा। तो देखो गाइस अब हमने ना यहाँ पे मशीन लगा ली है, ये यहाँ पर यहाँ मशीन चलती है और यहाँ माल भर दिया है। और देखो किचन भी छोटी सी, मतलब जो रूम पहले था उसमें ही किचन, तो यहाँ पर ये सारा लगा रखा है इस प्रकार से, ऐसे लगा रखा है। अभी यहाँ ये कम जगह है ना बहुत, इसीलिए कितनी स्पीड से हो। तो गाइस मेरा आज का भी वीडियो बहुत छोटा रहेगा, और मैं दिखाती हूँ आपको अपने यहाँ का बाहर का माहौल भी। देखो ये है बाहर, ये मेरा फ्लोर है, तो यहाँ पे ये सामने गली नीचे से जा रही है सामने वालों का घर। तो ये मैंने लगा रखा है इस रूम में, भूल भुलैया जैसा है। एक इधर गेट है, यहाँ से निकल जाओ, और एक फिर उधर कमरे से के अंदर से भी गेट है, उधर से आ जाओ। इधर आ गई। यही करती रहोगी अन्नू? कोई चुपन चुपाई खेलेगा तो मस्त है। अच्छा तो गाइस आज का भी ब्लॉग मेरा बहुत छोटा रहेगा, क्या बात है। किससे? अद्दू से झाड़ू लगवा रहे हो आप लोग, कितनी गंदी बात है। अद्दू डांस करके दिखा दियो बेटू। ओ आह पतली कमरिया मोरी, हाय हाय हाय, तिरछी नजरिया मोरी, हाय हाय हाय। अद्दू इतना ही करोगी बस है? तो अद्दू मेरी पतली कमरिया बहुत अच्छा डांस करती है, लेकिन जैसे वीडियो बनाने लगो वैसे ही शर्म लग जाती है अजय अद्दू को। तो गाइस आज का भी ब्लॉग मेरा बहुत छोटा रहेगा, मेरे को ना थोड़ा सा मैं ज़्यादा बोलती हूँ तो मेरा ये बहुत दुखने लगता है। और बाकी सर्दी तो पड़ नहीं रही है, आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को क्या किस तरह सर्दी पड़ रही है। यहाँ तो सर्दी बहुत कम है, लेकिन सर्दी कम है तब मेरी मुझे इतनी सर्दी लगी हुई है, ठीक ही नहीं हो रही है मेरी तबीयत। बाकी आप लोग थोड़ी सी प्रे और दुआ करोगे मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, मेरे को बहुत सिर दर्द करता है, थोड़ा सा बोल रही हूँ तो अब भी दर्द करेगा, बोला नहीं जाता मेरे से। तो गाइस आज के लिए तो इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।